मैं आज आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना, बहुत बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल पेमेंट, डिजी धन आंदोलन में शरीक हुए। बिना नकद कैसे लेन देन की जा सकती है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ी है। गरीब से गरीब भी सीखने का प्रयास कर, और धीरे धीरे लोग भी बिना नकद कारोबार कैसे करना उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट के अलग अलग तरीकों में काफी वृद्धि देखने को मिली है। भीम ऐप, इसको प्रारंभ किए हुए भी 2-2.5 महीने का ही समय हुआ है, लेकिन अब तक करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मेरे प्यारे देश, काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासी इस एक वर्ष में 2500 करोड़ डिजिटल लेन देन का काम करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? हमने बजट में घोषणा की है 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये काम। अगर वो चाहे तो 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 6 महीने में कर सकते हैं। 1000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर हम स्कूल में फी भरेंगे तो कैश से नहीं भरेंगे, डिजिटल से भरेंगे। हम रेलवे में प्रवास करेंगे, विमान में प्रवास करेंगे, डिजिटल से पेमेंट करेंगे। हम दवाई खरीदेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे। हम सस्ता अनाज की दुकान चलाते हैं, हम डिजिटल व्यवस्था से करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कर सकते हैं हम, आपको कल्पना नहीं है, लेकिन इससे आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के आप एक वीर सैनिक बन सकते हैं।